भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग बिहार में सरकार बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तो वहीं आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष, आपको बता दें कि संजय जायसवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव पर संजय जायसवाल ने, अब सुनिए इस वीडियो। टेलीविजन चैनल पे जाकर झूठ बोल रहे हैं, यह वही बात हुई कि क्रिकेट में या तो हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो विकेट और बॉल लेके फील्ड से भाग जाएंगे। आज राजद यही काम कर रही है, हम तो कभी नहीं बोले। मैं 9 बजे सुबह से यहाँ प्रदेश कार्यालय बैठा हूँ, बिना हिले मैं 9 बजे से बैठा था। अभी हम लोग लंच करने चले गए थे, करीब 6 बजे शाम तक उन्होंने लंच नहीं किया था। और जिस तरह के टीवी पे जिस तरह की बकवास बातें हो रही है, आप ईवीएम है, सारी चीजें होती है, आपका कहना है कि जब आपकी अपनी सोच थी कि आप जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक था। अभी जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो जिस तरह के नाटक, मैं नाटक शब्द का प्रयोग करूंगा, एक माननीय राज्यसभा के सदस्य कर रहे हैं, उनको देख के यही लगता है कि बचपन में वह जब क्रिकेट खेलते थे तो उनका यही सिद्धांत होगा, या तो मुझको जीतने दो नहीं तो मैं विकेट बॉल बैट बॉल लेकर सब भाग जाऊंगा कि यह सब फर्जी है।